Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of exponents and powers. This is second question of its exercise 13.2. So the question says that simplify and express each of the following in exponential form. So hume inhe exponential form mein represent karna hai. So hum yahan pe formula use karenge. A raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n. A raised to the power m ki whole power n is equal to a raised to the power m into n and a raised to the power m upon a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. So our pass yahan pe base same ho aur multiply ho rahe ho to yahan pe hamari powers add ho jayengi and divide ho rahe ho to power subtract ho jayegi. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 क्यूब इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 4 इंटू 4 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 32 को हम इसके फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे सो हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5 सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 raised to the power 4 into 2 raised to the power 3 plus 2 upon 3 into 2 raised to the power 5. Final ho jayega hamare paas 3 raised to the power 4 minus 1 into 2 raised to the power 5 minus 5 is equal to 3 cube into 1 is equal to 3 cube. Second part is 5 square ki whole power 3 into 5 ki power 4 upon 5 ki power 7. So, we have 5 powers here multiply. 2 into 3 into 5 to the power 4 upon 5 to the power 7. So, there are 5. 2 into 3 is 6. Here multiply, so power 8 will be plus 4. Here divide, mein hai, so power subtract will be minus 7. Is equal to 5 raised to the power 3. Next, third. 25 is to the power 4 upon 5 cube is equal to 25 5 square ki whole power 4 upon 5 cube ya powers multiply ho jayengi according to formula 5 raised to the power 2 into 4 upon 5 cube is equal to 5 raised to the power 8 upon 5 raised to the power 3. So, 5 power 8 minus 3 is equal to 5 raised to the power 5. Next, fourth. 3 into 7 square into 11 ki power 8 upon 21 को हम लिख सकते हैं 3 into 7 into 11 is to the power 3. So यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 यहाँ पे power 1 है यहाँ power 1 है तो हो जाएगा 1 minus 1 into 7 2 minus 1 into 11 8 minus 3 so हो जाएगा 1 into 7 into 11 is to the power 5. इसे हम लिख सकते हैं 7 into 11 raised to the power 5. Next, fifth. So, fifth part is 3 raised to the power 7 upon 3 raised to the power 4 into 3 raised to the power 3 is equal to 3 power 7 यहां डिवाइड में है सो ये सबट्रैक्ट हो जाएंगी
माइनस फोर माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री रेस्ट टू द पावर सेवन माइनस सेवन इज इक्वल टू थ्री रेस्ट टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की अगर एक्सपोनेंट जीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होती है। नेक्स्ट सिक्स्थ, टू की पावर जीरो प्लस थ्री की पावर जीरो प्लस फोर की पावर जीरो, सो ये हो जाएगा हमारे पास किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू की अगर एक्सपोनेंट जीरो हो उसकी वैल्यू वन होती है, तो वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। सेवंथ, टू की पावर जीरो इंटू थ्री की पावर जीरो इंटू फोर की पावर जीरो, सो हो जाएगा वन इंटू वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। नेक्स्ट एट्थ पार्ट इज थ्री की पावर जीरो प्लस टू की पावर जीरो इंटू फाइव की पावर जीरो इज इक्वल टू वन प्लस वन इंटू वन इज इक्वल टू टू इंटू वन इज इक्वल टू टू। नेक्स्ट नाइन्थ, टू इज टू द पावर एट इंटू एट टू द पावर फाइव अपॉन फोर क्यूब को हम लिख सकते हैं टू स्क्वायर की होल पावर थ्री इंटू ए क्यूब, सो देखा टू रेस्ट टू द पावर एट इंटू ए रेस्ट टू द पावर फाइव, यहाँ अपॉन में है बेस सेम है सो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, फाइव माइनस थ्री अपॉन टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही पावर सो जाएगा टू इंटू थ्री जाएगी टू रेस्ट टू द पावर एट अपॉन टू रेस्ट टू द पावर सिक्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू एट माइनस सिक्स इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर टेन, ए टू द पावर फाइव अपॉन ए टू द पावर थ्री इंटू ए टू द पावर एट इज इक्वल टू ए पावर फाइव माइनस थ्री डिवाइड हो रहा है पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी इंटू ए टू द पावर एट सो ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एट इज इक्वल टू ए टू द पावर एट प्लस टू इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर टेन। इलेवन, फोर इज टू द पावर फाइव इंटू ए रेज टू द पावर एट बी क्यूब अपॉन फोर रेज टू द पावर फाइव इंटू ए रेज टू द पावर फाइव बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, यहाँ डिवाइड हो रहा है बेस सेम है सो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी ए रेज टू द पावर फाइव माइनस फाइव इंटू ए रेज टू द पावर एट माइनस फाइव इंटू पी रेज टू द पावर थ्री माइनस टू इज इक्वल टू फोर रेज टू द पावर जीरो ए रेज टू द पावर थ्री एंड पी रेज टू द पावर वन इज इक्वल टू फोर की पावर जीरो हो जाएगा वन वैल्यूज की, सो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही नंबर रहेगा सो हो जाएगा ए क्यू बी। नेक्स्ट टू क्यूब इंटू टू का होल स्क्वायर, यहाँ बेस सेम है पावर सेट हो जाएंगी हो जाएगा टू थ्री प्लस वन की होल पावर टू हो जाएगा टू की पावर फोर की होल पावर टू, सो यहाँ पार्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स हो जाएगा टू फोर इंटू टू इज इक्वल टू टू रेस्ट टू द पावर एट। थैंक यू।